ये जो टेम्पल है ये बनाया गया है दक्ष प्रजापति महाराज की याद में, जो कि सती माता के पिताजी थे। आपको मैं बता दूं कि ये वही स्थान है जहाँ पर सती माता का जन्म हुआ था, यहीं पर वो पली बड़ी थी, यहीं पे शंकर भगवान से मिली और यहीं पे उनका अंतिम समय भी बीता है। दर्शन कीजिए शंकर भगवान के इतने बड़े रूप का, और बताइए कैसा लग रहा है, कैसे लग रहा है शंकर भगवान जी? तो अभी अपनी गाड़ी जो है तैयार हो चुकी है दक्ष प्रजापति टेम्पल जाने के लिए, दक्ष महादेव टेम्पल जाने के लिए, जो कि यहाँ से करीब 3.1 किलोमीटर है। और मैंने ख़रीद लिए हैं केले नाश्ता करने के लिए। लोकेशन डाल दिया है दक्ष प्रजापति टेम्पल के, और अब हम लोग बढ़ रहे हैं फुल स्पीड से दक्ष प्रजापति टेम्पल देखने के लिए। तो आपको बता दूं कि ये जो टेम्पल है दक्ष प्रजापति टेम्पल, ये सती माता के पिता जो थे महाराजा दक्ष, उन्हीं के नाम पे बनाया गया है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा कहानी है, जिसके बारे में हम वहाँ जाकर पता करेंगे, जानेंगे। एक एक चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा और डिटेल में बताऊंगा कि ये टेम्पल क्यों है, क्या है, कैसे है। और इस साइड आप देख सकते हैं ओम सेतु, जो मैंने कुछ सेकंड पहले आपको दिखाया है, और यहीं पर एक बंदा डूब कर मर गया। इस बात का दुखद घटना हो गया ये, तो इस बात का दुख है बहुत हमें, और गंगा जी से हम यही कहेंगे कि उसकी आत्मा को शांति दे अगर वो मर चुका है, और अगर NDRF की टीम वगैरह ने उसको बचा लिया है तो ये उसकी खुशकिस्मती है। आगे से वो इन चीज़ों पर ध्यान दे कि यूं गंगा जी में ना कूदे और शैतानी ना करे। श्री श्री माँ आनंदमयी स्मृति द्वार कनखल, त्रिपुरा योगाश्रम ट्रस्ट। और हम लोग लगता है दक्ष प्रजापति टेम्पल के परिसर में प्रवेश कर चुके हैं इस प्रवेश द्वार के साथ, और चंद मिनटों में हम उस मंदिर के पास होंगे। टेम्पल को जाने वाला रास्ता थोड़ा सा सकरा है। श्री राधा रास बिहारी मंदिर का जो घाट है वो दक्षेश्वर महादेव टेम्पल के घाट से ज़्यादा शांत और कम भीड़ भाड़ वाला है, तो आप यहाँ आकर स्नान कर सकते हैं। जैसे ही आप दक्ष प्रजापति टेम्पल के लिए अंदर आप पढ़ोगे तो आपको सामने में देखने को मिलेगा एक माता जी का मंदिर, तो आप माता जी के दर्शन कीजिए। उसके बाद आप सामने बढ़ेंगे तो सामने में एक घाट है जहाँ पर एक शिवलिंग बैठाया हुआ है, और प्यारे से एक नंदी भगवान भी हैं, तो आप उनके दर्शन कीजिए, उनको जल अर्पण कीजिए। उसके बाद आप बढ़िए दक्ष प्रजापति टेम्पल की तरफ। आपको मैं बता दूं कि ये वही स्थान है जहाँ पर सती माता का जन्म हुआ था, यहीं पर वो पली बड़ी थी, यहीं पे शंकर भगवान से मिली और यहीं पे उनका अंतिम समय भी बीता है, यहीं पर उन्होंने अग्नि में अपने आप को प्रवाहित कर लिया। और ये दक्षेश्वर महादेव जी का जो है प्रवेश द्वार है। मंदिर का एक और प्रवेश द्वार है उधर से, जिसके बारे में गूगल मैप को लगता है पता नहीं है, जिसके वजह से वो गलत रास्ता बताता है, और मंदिर कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, बहुत ही सुंदर। तो आइए आपको मेन गेट की तरफ पहले लेकर चलते हैं। अब ये सीन क्या कहता है कि जब दक्ष महाराज जो थे उन्होंने एक यज्ञ किया था जिसमें सभी भगवान को उन्होंने बुलाया पर शंकर भगवान को नहीं बुलाया, इस बात से सती माता नाराज़ हो गई और उन्होंने अग्नि में कूदकर और जान दे दिया, जिसकी वजह से शंकर भगवान जो है दक्ष महाराज से बहुत नाराज़ हो गए, और उन्होंने अपना एक रूप भेजा जिसने दक्ष महाराज का गला काट दिया। तो ये जो टेम्पल है ये बनाया गया है दक्ष प्रजापति महाराज की याद में, जो कि सती माता के पिताजी थे, और यहाँ पर खाने पीने से लेकर के और शॉपिंग तक की सारे दुकान अवेलेबल है। और जैसे ही आप एंटर करते हो दोनों साइड में आपको दो लायंस दिख जाएंगे जो आपके आप वेलकम करते हैं बहुत ही प्यार से। अब चलिए मुख्य टेंपल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं टेंपल के अंदर क्या है। यहीं पर है सत्य शिव साधना मंदिर, जहाँ पे आप देख सकते हैं शंकर भगवान का कितना खूबसूरत सा एक स्टैचू बनाया गया है। बहुत शॉपर आपको भले ना दिख रहा हो पर देखने में बहुत ही सुंदर है वो। इस साइड से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है वो स्टैचू।
हर हर शंभू हर हर भोले ओम नमः शिवाय। चलिए अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। सूर्य मंदिर का निकास द्वार है। अंदर में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ आकर फिर शंकर भगवान के दर्शन करें। अंदर में एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जो कि पीतल का बना हुआ है, इतना मैं बता सकता हूँ, बाकी आप आकर यहाँ खुद देखें। और इसी मंदिर के जस्ट सामने गंगा जी का एक घाट भी है जहाँ से आप जल भर सकते हैं और उस जल को लाकर शंकर भगवान के ऊपर अर्पण कर सकते हैं। आइए आपको घाट करीब से दिखाता हूँ। ये घाट कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे भक्तों की आपको बहुत सारी भीड़ दिख जाएगी। और यहीं पे है माँ गंगा का प्राचीन मंदिर, तो यहाँ पे आप गंगा जी के भी दर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ से निकलेंगे और आपको अब दिखाने वाला हूँ मैं ऋषिकेश का मोस्ट फेमस लोकेशन, जो कि अगर आप ऋषिकेश की कोई भी वीडियो देख लो, कहीं की भी वीडियो देख लो, किसी की भी वीडियो देख लो, वो चीज़ आपको ज़रूर दिखेगी। अब वो क्या है वो कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो, नहीं तो दो चार मिनट बाद आपको पता चल ही जाएगा क्या है वो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम हरि नारायणम नम हरि अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। तो फाइनली जिसका आप सभी को पहले दिन से इंतजार था वो समय आ चुका है और मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो शंकर भगवान का जो बड़ा सा स्टैचू है वो दिखाने के लिए। इस ब्रिज को क्रॉस करते ही हम उस स्टैचू के पास पहुँच जाएंगे। चंद मिनट दूर है हम शंकर भगवान जी के दर्शन करने से। इधर ही अपनी गाड़ी लगा देंगे आगे। बेसिकली एक छोटा सा पार्क है, लोग यहाँ पे आते हैं गंगा जी को देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है उन लोगों को। और इसी के अंदर ये बहुत बड़ा सा स्टैचू बना रखा है जो कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है अभी के समय में हरिद्वार आने वालों के लिए। तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं करीब से इस स्टैचू को कैसा दिखता है। शंकर भगवान का इतना बड़ा रूप तो आज तक आप लोगों ने शायद नहीं ही देखा होगा। चलिए दर्शन कीजिए इतने बड़े स्टैचू का शंकर भगवान के। और इस पार्क का नाम है स्वामी विवेकानंद पार्क। दर्शन कीजिए शंकर भगवान के इतने बड़े रूप का और बताइए कैसा लग रहा है। कैसे लग रहे हैं शंकर भगवान जी? बहुत ही सुंदर। अच्छा, इस पार्क में आने का कोई चार्ज आपका नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें आ जा सकते हैं। और यहीं से गंगा जी को भी आप देख सकते हैं, हर की पौड़ी को देख सकते हैं। तो चलिए आपको हर की पौड़ी और गंगा जी के दर्शन कराते हैं। जरा करीब से देखिए शंकर भगवान को, कितना विशाल है ये मूर्ति, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। इतने करीब मैं खड़ा हूँ, कितना छोटा दिखता हूँ इनके सामने, बहुत ही खूबसूरत। और ये वही ब्रिज है जिसको क्रॉस करके मैं इस पार्क में आया हूँ। और आप देख सकते हैं वहाँ से गंगा जी बहती हुई सीधे हिमालय से आ रही हैं ऋषिकेश साइड से, और वो आपके सामने देख सकते हो आप, हर की पौड़ी है और सामने घंटाघर है। अभी देखिए आप दोपहर के समय में कितना भीड़ है, शाम के समय में तो बहुत कम था, पर अभी आप भीड़ देखिए कितना ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। पार्क में आने के आपको कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इस पार्क में आप आ सकते हैं और शंकर भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा पार्क है, बैठने के लिए काफ़ी जगह बनाया हुआ है, तो यहाँ आप बैठ के गंगा जी को निहार सकते हैं, हर की पौड़ी को देख सकते हैं और कुछ समय यहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। हर हर शंभु शंभु शिवा महादेवा शंभु शंभु। यहीं पे बहुत सारे शॉप्स भी हैं, तो अगर आप कुछ खाना पीना चाहें तो खरीद के खा सकते हैं। अंदर पार्क में भी खाना रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो जो चाहें आप अंदर बैठ के भी खा सकते हैं। और यहाँ पार्किंग का भी कोई सीन नहीं है, तो आप गाड़ी कहीं भी लगा सकते हैं, बस एक अच्छा जगह ढूंढिए और वहाँ पे लगा दीजिए ताकि किसी को आपके वजह से दिक्कत ना हो।